इसे कहते हैं पहाड़ी नथ। अरे नहीं मतलब चल छोटी सी संदूकड़ी है ये तो। ओ वो देख चिनूक। हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यास व्लॉग। आई होप ऑल इज वेल एंड आई एम आल्सो फाइन। सो फ्रेंड्स आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 2 बजे से। और गाइस बहुत दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि अभी ना आजकल मेरा कॉलेज तो ऑफ है, हम घर पर ही हैं क्योंकि अब सीधे एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम जब होंगे तब हम जाएंगे कॉलेज, तो तब तक हमें घर पर ही रहना है। तो घर पर मैं मतलब क्या ही व्लॉग डालूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो डालना ही है, इसलिए आज मैं आपको अपना सारा मेकअप कलेक्शन दिखाऊँगी, मतलब ज्वेलरी मेकअप उससे रिलेटेड जो भी मेरे पे सामान है वो सब मैं आपको शेयर करूँगी कि कहाँ से मैंने लिया है, कैसे लिया है, किस चीज़ के लिया है, कब कब लिया है, ये सब। तो इसमें हम 3 महीनों के सामान हैं जितना भी हमने अपने लिए लिया है। तो दीदी पहले हमारे साथ नहीं रहती थी ना, तो उसका भी बहुत सारा सामान है। कुछ ही दिन पहले आई है दीदी यहाँ पे देहरादून हमारे साथ रहने के लिए, तो अब हम साथ ही रहते हैं यहाँ पर। स्टडी के लिए दीदी श्रीनगर रहती थी, अब कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम साथ ही रहते हैं। तो उसका भी बहुत सारा सामान है तो वो देखते हैं। चलो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे उसके सामान भी देखे हैं, क्या क्या उसने नया लिया है। तो चलो आपको भी शेयर करते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान है। सो गाइस सबसे पहले करते हैं दीदी के सामान से स्टार्ट। और अभी उसका सामान खोला नहीं है ना हमने, और बहुत सारा सामान है। इस पेटी में रखा हुआ था उसका सामान जो यहाँ लेकर आए, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले है ये इसको मिला था बर्थडे पर, और इसका बर्थडे था 12 नवंबर। गाइस ये भूल गई, ठीक है दीदी ने नहीं देखा अभी वरना मैं मार डालती। 12 नवंबर को था इसका बर्थडे, तो उसको उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया होगा जो भी है। तो इसको मैं पहन लेती हूँ एक बार। चलिए बहुत हुआ, इसको रखो इधर। देखिए गाइस छुप छुप के इसने इतनी सारी चॉकलेट्स खाई हैं। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में कैमरे के बंद करके बताऊंगी। ये है, ये हमारा छोटा सा स्कीपर है। सॉरी स्कीपर हो गया वो, मैं ना ऐसी हूँ पता नहीं कुछ भी बोल देती हूँ। ये देखो दीदी का है। हाँ हाँ दीदी का है भाई, दीदी का है, ये हमारा नहीं है, ये दीदी का है। ऐसे इससे ना आवाज आती है छोटा सा क्यूट सा, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है इसके पास ये आई शेडो है। ये हमारा काफी, ये तो पहले से था जब हम गोपेश्वर रहते थे ना साथ में, तब का था ये, हम यूज करते थे रोज। और इसकी हालत देखो गाइस कैसी हो चुकी है, बस अब तो ये खत्म भी होने वाला है, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला शेडो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस नेक्स्ट है इसके पास ब्लैक बेरी का सेंट, और ये बहुत अच्छा है यार, मुझे अच्छा लगता है, इसकी स्मेल ना अच्छी है। और ये देखना भी पड़ता है ना एक बारी, देखिए साइड पर। नेक्स्ट है इसके पास ये देखो ब्लैक बिंदी, अच्छी है ये भी, ये मेरे काम की नहीं। और ये है वाइट टोन का फेस पाउडर, बहुत अच्छा पाउडर है ये, पहले से प्रियंका यूज करती थी। हाँ मैं पाउडर मम्मी स्पेशल मेरे लिए लाई थी। हाँ स्पेशल प्रियंका के लिए लिया था मम्मी ने। एंड ये है हमारा हाइलाइटर, ये भी बहुत अच्छा है, बट मैंने इसे कभी यूज नहीं किया, कहाँ जाऊँ मैं इसे यूज करके, है ना। दिखाती हूँ, इसमें देखो इतने सारे शेड्स हैं, हाइलाइटर है सारे, और इनको शायद इधर इधर लगाते हैं ना। हाँ मुझे नहीं पता है यार ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत पता है, उतना मैं आपको शेयर कर रही हूँ। फिर आएगा इसमें तो बहुत सारे सामान है, सिर्फ थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले इसको देखते हैं। ये रहा ग्लूकोज, इसको पीते रहो ठीक है, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, हमने बचपन में पीते रहते थे बहुत सारे, ये पता नहीं इसने क्यों ही लिया है। एंड नेक्स्ट आता है ये हमारा हेयर स्प्रे, तो इसे जब बाल कर्ल करते हैं ना हम अच्छे वाले कर्ल करते हैं, तो उसके बाहर से स्प्रे करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है। ये हमारे पे पहले से था, ये तो मैंने देखा है। नेक्स्ट है ये है स्क्रब, फेस स्क्रब, कौन सा है ये मामा अर्थ,
मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश भी है, वो अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, ये है सनस्क्रीन, चलो लगाते हैं इसे। सो गाइस, अभी मैं धूप पे बैठी हूँ इसलिए मुझे काम का सनस्क्रीन मिल गया है। वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ ये सब, बट आज कर लिया है। एंड ये भी है सेंट, ये बहुत गंदा लगता है मुझे शायद हो। ये भी है हमारा बॉडी लोशन, कॉफ़ी वाला, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। सो गाइस, ये है ग्लोबन और ये ज्वेलरी है, ये हमारे पहाड़ की फेमस ज्वेलरी है और इसे शादीशुदा लड़कियां पहनती हैं। अब तो वीडियोस बनाने के लिए सब यूज़ करते हैं, मेरी आपने वीडियोस में देखा भी होगा, और ये बहुत अच्छा लुक देता है और ये सब पहनते हैं शादियों में और अच्छा लगता है। सोने का होता है ये, अभी तो ये आर्टिफिशियल है बट ये सोने का होता है। जो ये लाइनिंग है ना, ये होती है सोने की और ये तो ऐसे कपड़ा रहता है बाहर का। ठीक है, एंड ये है हमारा हेयर ऑयल कोकोनट का, ये इसका बच्चा, अरे बहुत अच्छा, और इसका छोटू सा बेबी भी है। ये ऐसे जुड़े रहते थे, हमने इनको अलग कर दिया। ये भी हमारा छोटा सा स्क्रब है, अच्छा वाला मामा अर्थ का है ये भी। एंड ये है मुल्तानी मिट्टी, इसका फेस पर लगाते हैं, इसको ऐसे 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 फेस पर लगाते हैं और फिर मुंह धोते हैं, पता नहीं क्या होता है इससे। मेरे तो हुआ नहीं आज तक, मैंने 3-4 बार यूज़ किया तब से ऐसी हूँ, पता नहीं किसको आता है ग्लो, हमें तो नहीं आता। एंड गाइस, हमारे पास बहुत सारे टिश्यू पेपर्स हैं, और ये दीदी तो कहाँ से चुरा के लाई है, सॉरी ठीक आ जाती है धूप पर जाके, इसने पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट से चुरा के लाई। थप्पड़ मारूंगी मैं, नहीं यार खरीदा है, मुझे पता है यार चोर तो मैं हूँ। सो जाता है कभी कभार। ठीक है, ये है। एंड अब दिखाती हूँ मैं आपको नेल पेंट्स। सो गाइज, ये है हमारी इतनी सारी नेल पेंट्स जो दीदी के पास है, और जो हमारी है वो तो बस हमने ना 2-3 ही रखी हुई है अंदर, तो उनको तो क्या ही दिखाना, वो नॉर्मल सी हैं। और ये दीदी की है इतनी सारी। ये है रक्सोना और इसका एक छोटा भाई ये भी है सैमसन। संदूक, छोटी सी संदूकड़ी है ये तो। ये है चांदी का, इसको पैर भी बांधते हैं, ये कुछ इस टाइप से है और इसको पैर पे बांधते हैं, अच्छा ना। और इसमें छोटी सी एक बटरफ्लाई भी है, बटरफ्लाई इसको ऐसे लगाते हैं और इसे सामान को रख देते हैं। ओ वो देख चिनूक, गाइस चिनूक जा रहा है, ये मैंने कल देखा इतने पास से, बहुत अच्छा लगा। इस छोटू सी संदूकड़ी को कर देते हैं बंद। ये रहा हमारा छोटू सा सीसी क्रीम लैक्मी का, ठीक है। एंड ये भी है इसके पास ब्लैकबेरी का वो है परफ्यूम है, ये भी बहुत अच्छा है। सो गाइस, नेक्स्ट है पिलग्रिम का सीरम, फेस सीरम है ये, इसे भी यूज़ करती होगी ये, हमने कभी यूज़ नहीं किया, दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से कैसा होता है। इस टाइप का है, जैसे ये रहता है ना बच्चों को, नहीं पिलाते थे पोलियो, उस टाइप का ढक्कन है इसका, ढक्कन ये देखो। सो इसका सामान तो हुआ ख़त्म, और इसको फिर पैक करके रख देती हूँ, फिर मैं आपको इयर रिंग्स ये कलेक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, तो गाइस ये रहा इसका लिपस्टिक कलेक्शन, इसमें से सबसे अच्छा शेड मुझे ये लगता है, चॉकलेट शेड में है और ये पर्पल शेड में है। गाइस ये है लाइनर और ये पर्पल कलर का लाइनर है, पर्पल कलर का लाइनर, ये शेड मुझे सबसे अच्छा लगता है। और तो है रेड है, पर्पल टाइप का है, सब कुछ है। ये रहा मेरा मेकअप कलेक्शन, इसमें है ब्रशेस, ये सारे ब्रश हैं जो हमें मेकअप में यूज़ करने होते हैं, फाइन ब्रश।
एंड ये छोटी सी किटी देखो। अच्छा ये रहा आई शेडो जो कि कुछ इस टाइप का है। देखिए इसमें ग्लिटर्स भी हैं, ये इतने ग्लिटर है और ये सब वैसे ही। आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से पैक किया है क्योंकि मेरे पे कुछ अच्छा सा बॉक्स नहीं था यार डालने के लिए। सबसे पहले खोलेंगे ये पर्स। देखिए राजी ज्वेलर्स, ये हमारे गांव के ज्वेलर्स हैं। अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो इस नंबर पर कॉल करें। ये बहुत ही अच्छे दाम में आपको गोल्ड कलेक्शन देंगे एंड जो भी आपको ज्वेलरी चाहिए वो सब देंगे, ठीक है। नाम बस मेरा बता दियो वहाँ पर, भले वो मुझे नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने गढ़वाल की फेमस ज्वेलरी से जो मेरे पे अभी है, क्योंकि ये तो सारे सोने के होते हैं तो ये सब मम्मी ने घर पर ही रखे हुए हैं, अपने पास रखे हैं, हमारा क्या काम है उनका, है ना। तो अभी हमारी तो शादी हुई नहीं है जो हमारे पास गोल्ड के सारे बहुत सारे ज्वेलरी हो। तो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए, मतलब जैसे हमारे कॉलेज में प्रोग्राम्स होता है तो उसके लिए लिए थे, तो वो सभी है मेरे पास। तो मैं आपको दिखाऊंगी। यार ये मक्खी मुझे बड़े परेशान कर रही है, तब से शायद इसको मैं बोर करा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी गढ़वाल की फेमस ज्वेलरी से। सो गाइज ये है हमारी पहाड़ी नथ और इसे ये जो है कि सारी सुहागने पहनती हैं, बट अब के ज़माने में तो सब पहन रही है रील्स वील्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी पहनती हूँ ना। तो ये ज़रूरी तभी होता है जब शादी हो जाती है ना लड़की की, तो तब इनको मिलता है ये घर से, अपने घर से मिलता है, सोने का होता है ये पूरा। तो ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इसे कहते हैं पहाड़ी नथ। एंड मेरे पास एक दूसरी नथ भी है जो मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, जब मैं छोटी थी ना तब लिया था मैंने, उतनी छोटी भी नहीं थी। कितने में थी प्रियंका? 12th में थी। 10th नहीं यार, 11th या 10th 11th 10th में थी मैं बच्चे। नहीं 10th में थी मैं, मेरे को याद है 10th में थी तब लिया था मैंने ये। ये अच्छा ज़्यादा खास नहीं है पर फिर भी इसने मेरी बहुत हेल्प करी है डांस में। तो मैं इसे ख़राब नहीं करूँगी। अच्छा ये तो ये रही मेरी दो नथ। एंड ये रहा मेरा वाला ग्लोबन जो मैंने पहले दिखाया, वो दीदी का था और वो दूसरे मॉडल का था ना, और मेरा इस टाइप का है। वैसे तो नॉर्मल जो हमारा गढ़वाली में जो पहले का डिज़ाइन है वो ये है, एंड अब उसे थोड़ा और मॉडिफाई करके इनको ऐसे लंबे लंबे में बना दिया है, तो वो भी अच्छा लग रहा है पर ज़्यादा अच्छा ये ही लगता है मुझे तो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड जो ये पैलेट है ना ये होते हैं गोल्ड के। तो ये है ग्लोबंद। मेरे पास अभी जो पहाड़ की हमारी ज्वेलरी है इतनी ही है, क्योंकि मैंने क्या करना है ना अभी उनका, तो जब मेरी शादी हो जाएगी तब दिखाऊंगी आपको सारी ज्वेलरी, ठीक है। एंड अब आते हैं हमारे दूसरी ज्वेलरी की साइड। ये रहा मेरा मांग टीका, ये है मेरे झुमके। ये मैंने पता है कब लिया था, ये जब मेरे मामा की शादी थी ना तब लिया था, और मेरे मामा की शादी को हो चुके हैं कितने साल, 6 साल 6-7 साल हो गए हैं, तो तब से ये मेरे पास है। और देखिए एकदम नए लगते हैं अभी तक भी, जबकि मैंने बहुत बारी यूज़ कर लिए हैं फिर भी अच्छे से रखा है मैंने, क्योंकि मैं अपने सामान को बड़े प्यार से रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। देन अब मैं आपको वेस्टर्न वेयर दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये इयररिंग्स, ये छोटे, ये वेस्टर्न ड्रेस में अच्छे लगते हैं। और इसका बड़ा भाई दिखाती हूँ आपको, ये इसका बड़ा भाई है और ये इसका छोटा भाई है। तो सो
सो गाइस आई थिंक जो है कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट मैं आपको कल के नए व्लॉग में दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट इसका, उसमें मैं आपको अपनी दीदी की इयररिंग्स, ज्वेलरी, इन सब का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो इसके लिए बस इतना ही, करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो करते हैं व्लॉग को एंड। बाय बाय, टेक केयर।